विश्वनाथ गाके हरे 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 महादेव काशी विश्वनाथ गाके काशी विश्वनाथ गाके काशी विश्वनाथ गाके काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ गाके हरे हरे महादेव ये हर हर शब्द जो है ने क्या है, जो हमारे समस्त पापों का हरण करने, हर पाप हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, जो समस्त कष्टों को समस्त पापों का हरण करने वाला है वो हर। तो पूजन वैसे ही करना चाहिए, सेवा वैसे ही ठाकुर जी की होनी चाहिए, भोलेनाथ की होनी चाहिए। कभी भी भेद बुद्धि न रखे कि मूर्ति है, ये शिवलिंग है। साक्षात भोलेनाथ विराजमान। और जो अभेद बुद्धि से वो करके पूजा करेगा, कहते उसे शिवलोक की प्राप्ति होगी। जो अभेद बुद्धि से, केवल यहां शिव पुराण के चर्चा चल रहे हैं इसलिए शिव जी की बात बताई जा रही है, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, माता जी हो, गणेश जी हो, किसी भी मूर्ति की सेवा में ये भेद बुद्धि मत रखना और रख करके सेवा करना की है। मेरे को तो कभी कभी होता है कि भाई हम लोग भगवान के सामने थाली लगा करके इकट्ठे रख देते हैं, 8-10 रोटी रख दी, कटोरे में सब्जी दाल रख दिया, जल भर करके रख दिया, घंटी डुलाई, तुलसी दल डाला, घंटी डुलाई, पर्दा लगाया और बस राधे राधे हो गई। अब बताओ, कभी कभी जरा सब्जी अच्छी बन जाती है तो हम लोग एक आध रोटी ज्यादा खा लेते कि नहीं खाते, बता। और कहीं उससे एक रोटी ज्यादा खाने की इच्छा हो तो बेचारा क्या करेगा,
और आपके सामने रोटी का गट्ठर यूं बांध करके रख दे थाली में, आप क्या कहोगे? आपको तो गर्म रोटी खाने की इच्छा हो रही है, क्या उस बेचारे की गर्म रोटी खाने की इच्छा नहीं होती होगी? सेवा, भगवत सेवा निरंतर मन से और भगवत भावना से पूजा सेवा होनी चाहिए। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को, नंदकेश्वर ने शनक कुमारों, शनकादि ऋषियों को शिवलिंग की पूजा का विधि, फिर भगवान शिव ने दोनों को, ब्रह्मा जी को भी और भगवान विष्णु को भी पंचाक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय, जो ये पंचाक्षर मंत्र है, ओंकार तो शब के लिए नहीं है, शब का ओम पे अधिकार नहीं है, लेकिन शिवाय नमः और सोहम सब बोल सकते। वैसे भी ये जो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, आसन पर ही बैठ करके जप करना चाहिए। शिवाय नमः चलते फिरते आप जप सकते हैं, सो हम शिवो हम ये भी चलते फिरते आप जप सकते हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय ये जो है ये आप ये पंचाक्षर मंत्र और भगवान शिव के पांच ही मुख है सामने है ना विराजमान भोलेनाथ, चारों दिशाओं में चार मुख एक मुख। तो ये जो पंचाक्षर मंत्र है ये भगवान शिव के पांचों मुख से निकला हुआ अक्षर, इसीलिए इसको पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है। और इसी पंचाक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय का उपदेश भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को भी दिया, मंत्र वस्त्र से सिर ढक करके फिर मंत्र उपदेश ब्रह्मा जी को भी दिए और भगवान विष्णु को। कहते हैं कि जब उपदेश दे दिया मंत्र का तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने कहा महाराज आपने उपदेश दिया, और उपदेश कौन देता है? ये उपदेश कौन देता है? ये उपदेश, उपदेश करने का अधिकार केवल गुरु को होता है।
जिसने उपदेश किया वो गुरु। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने कहा, महाराज आप आपने दीक्षा तो दे दी, अब गुरु दक्षिणा भी तो हमें देना है। आपने गुरु मंत्र दिया हमें, इसलिए अब मैं आपको गुरु दक्षिणा दूंगा। आप स्वीकार करें। भगवान शिव ने कहा, गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? तो उन्होंने कहा, महाराज और आपको मैं क्या दे सकता जो सारे सृष्टि को दे रहा। जो सबको देता है उसे क्या देंगे? उसे ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने कहा, महाराज मैं आपको क्या दे सकता हूं? मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। दीक्षा के बदले, मंत्र के बदले, उपदेश के बदले शिष्य चाहे कि मैंने 200, 500, 1000, 2000 हमने उनके चरणों में चढ़ा दिया तो बहुत बड़ा गुरु के ऊपर एहसान कर दिया। बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना। गुरु के ऊपर कोई एहसान नहीं है भैया, तुम गुरु को क्या दोगे? जिसने इतनी बड़ी वस्तु तुम्हें दे दी, जिसने उस परम तत्व से तुम्हें मिलने का रास्ता बता दिया, मार्ग बता दिया, उसे क्या दो? ये सांसारिक तुच्छ वस्तु। ये तुच्छ पदार्थ गुरु को हम क्या दे सकते? हमारा क्या, हमारे पास क्या सामर्थ्य है जो कि हम गुरु को समर्पित करें इतनी अमूल्य रत्न के बदले? मेरे भाई बहन, गुरु को हम कुछ नहीं, गुरु को केवल अपने आप को हम समर्पित कर सकते। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने कहा, प्रभु गुरु दक्षिणा के रूप में मैं अपने आप को आपको समर्पित कर। अब जब हमने गुरु को अपने आप को समर्पित कर दिया तो ये मन हमारा तो रहा नहीं। ये मन तो, मन भी गुरु का, शरीर भी गुरु का,
अब गुरु जो कहेंगे वही तो होगा। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा विष्णु से, ये अब तुम क्या करो? तुम क्या करो? महाराज जो जो आप आज्ञा देंगे तब ब्रह्मा जी से भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी आप सृष्टि मैं विष्णु से कहा आप पालन करो। और रुद्र रूप जो मेरा है वो संहार तो भगवान के आपने देखा होगा ना तीन रूप, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन देव, तीन ही काल, तीन ही गुण, तीन ही अवस्था, और तीन ही हर चीज तीन तीन का है। भगवान शिव के दरबार में आप देखे हर चीज, उनका त्रिशूल का भी तीन, बिल्व पत्र भी तीन, नेत्र भी तीन, तीन ही वस्तु इस संसार में। काल भी तीन ही है, प्रातः काल, मध्यान्ह काल और सायंकाल। गुण भी तीन, सत, रज और तम। अवस्था भी तीन, बाल्यावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था। तो हर चीज तीन तीन का है। जो इस तीनों से ऊपर उठ गया इसीलिए भगवान शिव जो त्रिपुंड लगाते हैं उसकी भी रेखाएं तीन हैं। और आपने देखा होगा भगवान शिव के त्रिपुंड में तीनों रेखा को ऐसे कट होती है। जो इस तीनों कालों से बच गया वो शिव के चरणों में पहुंच। तो गुरु को क्या दोगे?
गुरु ने तो तुम्हें अमूल्य रत्न दे दिया जिसका कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। संसार की सारी वस्तु तुम दे भी दोगे तो भी उसका मूल्य नहीं चुकता किया जा सकता। गुरु ने वो वस्तु तुम्हें दी है, राम नाम के पट करे देवी को कछु, काले गुरु संतोषी। राम नाम के बदले गुरु को क्या दोगे जिसका कोई कीमत नहीं? राम नाम का कोई कीमत है क्या? शिव नाम का कोई कीमत है? वो वस्तु है मेरे भाई बहन अमूल्य। तो ब्रह्मा और विष्णु ने भगवत चरणों में, शिव जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिए हैं। भगवान शिव की आज्ञा से भगवान सूत जी कहते हैं, शौनक फिर तीर्थों की महिमा गाए। शौनक आदि ऋषियों को सूत जी ने तीर्थों की महिमा बताई। तीर्थों की अद्भुत महिमा, जैसे गया में, गया तीर्थ में अगर अपने पितरों का पिंडदान किया जाए तो पितर मुक्त हो जाते हैं। प्रयागराज में अगर स्नान पिंडदान किया जाए तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके पितर भी उद्धार हो जाते हैं। तो तीर्थों में एक बात आपको मैं कहूंगा, पहली बात तो तीर्थों में तीर्थ की भावना से जाओ। तीर्थों में कभी भी इंजॉय की भावना से मत जाओ। लोग कहते हैं ना, चलो हरिद्वार चलते घूम फिर आते हैं। हरिद्वार घूमने फिरने की जगह नहीं है, बद्रीनाथ घूमने फिरने की जगह नहीं है, छुट्टी मनाने की जगह नहीं है, केदारनाथ मेरे भाई वहां तो जो हमारे कर्म फल पाप आकर चारि लक्ष चौरासी योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर पेरा काल कर्म शुभाव गुण घेरा। ये 84 का चक्कर है ना, ये कर्म फल का ही भोग है।
यहाँ भी हम लोग कर्म फल को भोगने के लिए ही आए हैं। तीर्थों में स्नान, तीर्थों में पूजा, तीर्थों में दान, पितरों के पेड़ निमित्त पिंडदान, तीर्थों में इंजॉय ने हम अपने पाप को शमन। इसीलिए कहा कि तीर्थों में जाओ तो भगवत दर्शन करो, भगवत भावना से जाओ, तीर्थ की भावना से जाओ। तीर्थ में जाओ तो तीर्थ के रज को अपने शरीर से लगाओ, तीर्थ में जाओ तो वो तीर्थ के कुंडों की आचमन करो, जिससे हमारा समस्त पाप निवृत्त। तीर्थ में जा करके ये नहीं घर से बोतल ले गए, एयर कंडीशन रूम लिया। जब तक तुम्हारे शरीर को तपाओगे नहीं, अपने शरीर को तब तक कुछ प्राप्त नहीं। तीर्थ में तीर्थ के भावना से जाओ, पुण्य क्षेत्रों का भ्रमण करने से, पुण्य क्षेत्रों में स्नान करने से, पुण्य क्षेत्रों के रज को अपने शरीर से लगाने से, अपने पितरों के निमित्त पिंडदान इत्यादि करने से हमारा भी कल्याण होता है, हमारे पूर्वजों का भी कल्याण होता है और हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में सुख और शांति की प्राप्ति होती है और शिव लोक की प्राप्ति होती है। भगवत भगवान के प्रति हमारी प्रीति बढ़ती है। तो संत कुमार जी को नंदकेश्वर ने पुण्य क्षेत्रों का वर्णन किया, लेकिन एक बात आप ध्यान देना, जिस पुण्य क्षेत्र में आप गए हो पुण्य तो कर नहीं पाए और पाप कर लिया, तो शास्त्र कहता अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, और जगह अगर आपसे पाप हो जाए तो पुण्य क्षेत्र विनश्यति। पुण्य क्षेत्र में तीर्थ में जाकर के वो पाप का शमन किया जा सकता है, लेकिन पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम कहीं पुण्य क्षेत्र में तुमसे पाप हो गया, तुमने पाप किया तो क्या होगा, वज्रलेपो भविष्यति। केवल केवल भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। निसंदेह
इसमें कोई भी संदेह नहीं। इसलिए तीर्थ में बड़ा सावधान रहना पड़ता है। हमें तीर्थ में रह करके किस प्रकार से संयम नियम पूर्वक तीर्थ में हम रहें। श्रुत जी ने शौन का देखो पुण्य क्षेत्रों का वर्णन किया। सदाचार इत्यादि का वर्णन किया। एक बात आप समझने की चेष्टा करें, सदाचार अगर हमारे जीवन में रहेगा सदाचार अगर हमारे जीवन में आ जाए, सादगी अगर हमारे जीवन में आ जाए, तो हमारा जीवन निर्मल और पवित्र हो जाए। इसलिए प्रयत्न करो, क्योंकि करत करत अभ्यासते जरमति हूति सुजान रसरी आवत जाते शिल पर परत निशान। हर चीज के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। अब अगर हम प्रयत्न करें ही ना सिद्धि चढ़ने का, तो ऊपर वाले मंजिल में हम चले जाएंगे क्या? आपने घर से प्रयत्न किया है तभी तो कथा में आप आए हो। आप बिस्तर पे घर में लेटे लेटे कहते कथा में जाना है, कथा में जाना है, कथा में जाना है, कथा में जाना है, तो आ जाते प्रयत्न। किसी भी चीज के लिए दुष्कर्म के लिए प्रयत्न मत करना, सत्कर्म के लिए प्रयत्न करना। हमारे जीवन में सदाचार आए, सदाचार का मतलब क्या है? जीवन हमारा ऐसी हो जो धर्म भगवान ने हमारे लिए नियुक्त किए, जैसे हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए तो हमें नित्य संध्या करनी चाहिए। अगर त्रिकाल संध्या हो तो सर्वश्रेष्ठ। त्रिकाल संध्या न हो तो दो काल संध्या तो अवश्य करना चाहिए, प्रातःकालीन और मध्यान्ह। कदाचित मध्यान्ह दो पहर का संध्या आप नहीं किए कर सकते, तो एक काल संध्या तो अवश्य करनी चाहिए। देखो संध्या वंदन करने से पुण्य की प्राप्ति तो नहीं होती है, लेकिन प्रतिभाय अवश्य लगता है। इसलिए संध्या अति आवश्यक।
संध्या वंदन करे, प्राणव का जप करे। प्राणव गायत्री का जप अवश्य करना चाहिए, और ये तो ब्राह्मण के लिए भी है, छत्री के लिए भी है, वैश्य के लिए भी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया हूं कि न करने से प्रतिभा लगती है, तो इसलिए गायत्री भी जप करना चाहिए, अग्निहोत्र कार्य भी करना चाहिए। अग्निहोत्र का मतलब है यज्ञादि, ये भी करना चाहिए। तो सूत जी ने कहा कि जो व्यक्ति संध्या है, प्राणव गायत्री का जप है, अग्निहोत्र यज्ञ है, जो इस यज्ञ को करता है, आपको एक चीज बता दूं, एक अग्नि यज्ञ, एक देव यज्ञ और एक ब्रह्म यज्ञ। यज्ञ का मतलब क्या है? हम जो श्रवण कर रहे हैं ये भी यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है। श्रवण करना ये ज्ञान यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ बताया है। ये क्या है? ये अग्निकुंड है, श्रवणेन्द्रिय जो कान है ये क्या है? अग्निकुंड है, और ये प्रवचन जो है ये साकल्य। तो ये ज्ञान यज्ञ वैसी गीता में भगवान ने, हम भोजन जो करते हैं इसे भी यज्ञ बताया। ये क्या है? हाथ। आपने यज्ञ पात्र को आपने देखा होगा, तो यज्ञ पात्र में ये हाथ का ही पंजा होता है, जिसे हम घी की आहुति डालते हैं। उसमें तो यहां तक कह दिया कि सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, हाथ से उठाया भीतर मुख में दिया, क्या है? यह यज्ञ कुंड है, इसमें जठराग्नि है, अग्नि है, जो हमारे अन्न को पचाता।
कहते हैं ना जब पाचन क्रिया कम हो जाए तो वैद्य लोग कहते भाई इसकी जठराग्नि मंद पर गई इसलिए पाचन क्रिया नहीं हो रही। तो ये भी यज्ञ है, इसीलिए कहा ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मागनो ब्रह्मणाहुत ब्रह्मैव देन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। गीता में भगवान कहते हैं देने वाला भी ब्रह्म, सुरवा ब्रह्म, अग्नि ब्रह्म, होता ब्रह्म, यजमान ब्रह्म, शमिधा ब्रह्म, प्राप्त करने वाला ब्रह्म, प्राप्त आहुति देने वाला ब्रह्म, आहुति प्राप्त करने वाला ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म तो है। ये भी यज्ञ, हम लोग केवल यज्ञ उसको समझ लेते हैं कि आग अग्नि प्रज्वलित की ब्राह्मणों ने मंत्र बोला और उसमें हमने साकल्य उठाया और डाल दिया, ये यज्ञ। ये अग्नि यज्ञ है, ये यज्ञ है, जिसे देवताओं को भाग की प्राप्ति होती है। जिसे देवता लोग पुष्ट होते, हम जो अग्नि में आहुति डालते हैं देवताओं के नाम ले ले करके, प्रजापते स्वाहा, वायवे स्वाहा, अग्नये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, ये जो नाम ले ले करके जो हम आहुति डालते हैं, तो जिस देवता का हम नाम लेते हैं वो भाग उसी देवता को प्राप्त होता है। और उससे देवता पुष्ट होते और देवता जब पुष्ट होते हैं तो वो हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भागवत में आया है एक प्रसंग कि जब इंद्र गुरु के अपराध से ऐश्वर्य नष्ट हो गए इंद्र के, तो भगवान विष्णु के कहने पर, नारायण के कहने पर, उसने विश्व रूप को गुरु बनाया। अब विश्व रूप अग्निहोत्र कर्म करवा रहे हैं समस्त देवताओं को नाम ले लेकर के, तो वो तो करवा ही रहे, लेकिन विश्व रूप धीरे से बोल करके अपने भाई बंधु असुरों को भी नाम लेकर के आहुति डाल, और इंद्र को ये बात पता लगा कि विश्वरूप अपने भाई बंधुओं की, क्योंकि विश्वरूप असुर है ब्राह्मण,
त्वष्टा का पुत्र है, लेकिन अपने भाई बंधुओं को असुरों को आहुति देता है, उससे असुर बलिष्ठ होते हैं। इंद्र को कहा गया महाराज ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहा है, ये तो देवताओं को बलिष्ठ करता है तो है ही, लेकिन अपने भाइयों को भी आहुति दे करके बलिष्ठ कर रहा है, ताकत पहुंचा रहा है। तो इंद्र ने विश्व रूप के सिर छेदन किए, अस्तु हम इस प्रसंग पे नहीं जा रहे हैं, अपने प्रसंग पे आए कि अग्नि यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होता। ब्राह्मण को तो नित्य अग्निहोत्र का आदेश है शास्त्र को, और वैसे भी सदगृहस्थ के लिए बताया है शास्त्र में। कि रोज सदगृहस्थ अग्निहोत्र नहीं कर सकता तो पांच प्रकार की यज्ञ बता, आप भोजन बनाते हैं सबसे पहली रोटी लेकर के घी लगा करके थोड़ी सी बूरा या शक्कर मिला के तीन भाग बनाइए और उस तीन भाग को अग्नि में समर्पित कीजिए। अग्नि अब आजकल तो गैस का जमाना है, अग्नि का जमाना है नहीं, दूसरा गौ ग्रास जो हम लोग निकालते हैं गौ माता को देते हैं इसे भी यज्ञ बताया। चौथा तीसरा ये जो चींटी है ना, इन चींटियों को कृमि को जो आटा डालते हैं ना शक्कर मिला करके इसे भी यज्ञ बताया। लेकिन कई बार लोग रास्ते में डाल देते हैं तो कुत्ता जो कई बार होता है पुण्य की जगह पाप हो जाता है, ये ध्यान देना। ये ज्ञान सब ज्ञान तुम्हें कहां से मिलेगा, सत्संग से कथा से। इसीलिए बार बार शिव पुराण में कहा गया है सत्संग करो कथा सुनो, तो पुण्य की जगह पाप हम कर लेते हैं। जैसे हमने रास्ते में शक्कर मिला हुआ आटा चींटियों को डाला, कुत्ता आया और उसे चाट लिया, तो आपके दिए हुए डाले हुए आटे के माध्यम से वो चींटी भी तो उसके पेट में चला गया कि नहीं। तो आपने किया तो पुण्य, लेकिन पुण्य की जगह पाप। तो इसलिए ऐसी जगह पर डालो जहां पर कुत्ता वगैरह और पशु न आए। चौथा ये मछली को जो हम
गोली बना करके आटा डालते हैं ना, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो ये यज्ञ का हर किसी के लिए, ब्राह्मण के लिए अलग प्रकार का, ब्रह्मचारी के लिए अलग प्रकार का, सद्गृहस्थ के लिए अलग प्रकार का। तो यज्ञ हम सबको करना चाहिए। यज्ञ के बाद वर्ण आता है, देश काल पात्र और दान। देश काल कौन से देश में कैसी वस्तु की और किस काल में किस वस्तु की हमें दान करना चाहिए और किसको करना चाहिए। अब जैसे इस समय बैसाख की महीना, तो बैसाख के मास में हमें क्या दान करना चाहिए। बैसाख के में वैसे तो दान बहुत से हैं, लेकिन बैसाख में जैसे समय है तो इसमें जल दान का बड़ा महत्व है। लेकिन वो भी किसको, जिसको आवश्यकता है। अगर जिसको आवश्यकता है उसको अगर आप खिलाते हैं या दान देते हैं पात्र को, अरे यहां तक कहा गया शास्त्र में कि दान भी ऐसे ब्राह्मण को दो जो पात्र, जो त्रिकाल संध्या उपासन करता हो, गायत्री का जप करता हो, भजन करता हो, वेद शास्त्र का पाठ करता हो, अध्ययन करता हो, अग्निहोत्र करता हो, वैसे को नहीं। जो आपने दिया ऐसे आजकल होते हैं ना, लोग मांगने के लिए आ जाते हैं। आपने एक एक बात ध्यान देना, आपने किसी को रोटी एक खिला दी तो ये दान नहीं है, ध्यान देना। ये दान नहीं है। जैसे अन्नदान, गौदान, कन्यादान, भूमिदान, गजदान, बहुत से दान शास्त्रों में। लेकिन दान पात्र को देख करके और देना चाहिए। जरूरत किसको, अब जरूरतमंद को दोगे, जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता है तो उसका उपयोग करेगा। कई बार एक चीज और आप लोगों से निवेदन करूं, अगर आप लोग नाराज ना हो तो, लोग बाग
दस रुपए की दान करते हैं, लेकिन पत्थर पे 50 रुपए की लिखवाई करवाते हैं। फलाने साहब ने इतने पैसे इस मंदिर में दान किए। अरे भैया पंखा पे भी लिख देना, फलाने बाबू ने इनके स्मृति में ये पंखा दान किया। करते हैं कि नहीं करते? तुम दान दे रहे हो, किसको दे रहे हो? अगर तुम कदाचित भगवान को समर्पित कर रहे हो, पहली बात तो ये आप समझें, आपका क्या वस्तु है जो कि आप दान करोगे? ये सब कुछ तो उस परमात्मा की है, भगवान भोलेनाथ की है। उन्होंने आपको दिया तब तो आप कर रहे हो, अगर वो नहीं देते तो आप कहां से करते? पहले ये बताओ आप करते क्या? उन्होंने दिया इसलिए आप कर रहे हो। कहते हैं त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। अरे हम लोग आरती में भी गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो उसकी वस्तु जब हम उसको अर्पण कर रहे हैं और जो कुछ भी हम समर्पित करते हैं, क्या वो देख नहीं रहा है? क्या देख रहा है? जब वो देख रहा है कि ये मुझे दे रहा है, तो फिर ये लिखने की और लिखवाने की आवश्यकता क्या? अरे भाई तुम्हारा वस्तु तुमको दे रहा हूं, ये तो मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं, तो फिर ये लिखने लिखाने की बात कहां से आई? जब हमारी वस्तु हो तब तो हम लिखे फलाने व्यक्ति ने इतने दान किए। हमारी वस्तु तो है नहीं, उसकी वस्तु है, वो दे रहा है। इसलिए पात्रता को देखते हुए और आप दान करें। ध्यान रखना, दान देने वाला बड़ा नहीं होता है, बड़ा दान लेने वाला होता है। जो आपके दान को ग्रहण कर रहा है,